नमस्ते, मैं शौरबानी। मेरे सामुदायिक सुस्वादु चैनल में आप लोगों को हार्दिक स्वागत है। मेरा आज का रेसिपी रावा से तैयार किए हुए एक नाश्ता, बहुत आसानी से ये बन जाता है और घर में रहे हुए सामग्री से ही आसानी से बनाया जा सकता है। 1/4 कप रावा, 1/4 कप ऑल पर्पस फ्लावर यानी मैदा और उससे 1/2 अमाउंट चावल के आटा लिया। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करके 1/2 कप पानी देके इसे घोल के अच्छे से मिक्स करके 1/2 घंटा के लिए रखेंगे सेट होने के लिए। 1/2 घंटा बाद ये पूरा सेट हो गया। अभी इसे अच्छे से मिला के धनिया पत्ता बारीक कटे हुए, हरा मिर्च बारीक कटे हुए, प्याज बारीक कटे हुए 1 बड़ा चम्मच, बेकिंग पाउडर 2 चुटकी, नमक स्वाद अनुसार देख के इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। जितना अच्छा मिक्स करेंगे उतना ही स्वादिष्ट बनेगा। चाहे तो इसी अवस्था में, ऐसा कंसिस्टेंसी में आप इसे पकौड़ा भी बना के खा सकते, लेकिन थोड़ा सा पानी मिला के इससे मैं चपाती बनाऊंगी। तेल भी थोड़ा सा ही चाहिए। 1 छोटा चम्मच बादाम तेल देके, यानी ग्राउंड नट ऑयल देके, इसके बैटर 2 चम्मच देके चारों ओर फैला देंगे ताकि अच्छे से फ्राई हो पाए। पूरा लो फ्लेम में ही इसे बनाएंगे। ढक के लो फ्लेम में रखेंगे। बहुत जल्दी से ये बन जाता है। 2 से 3 मिनट के अंदर एक साइड हो जाने के बाद पलट के और ढक्कन नहीं लगाएंगे, ऐसा करके इसे फ्राई करेंगे। चूल्हा को धीमी ही रखेंगे। उठा लिया, बन गया। कितना स्वादिष्ट एक नाश्ता। जितना सा तेल है उसी में और 1 ठो दे के फिर से दिखा रही हूँ। 2 चम्मच दिया बैटर, आप चाहे तो ज़्यादा भी दे सकते हैं। चपाती कितना बड़ा बनाएंगे ये पूरा आपके ऊपर, चाहे तो इससे बड़ा भी आप बना सकते। चारों ओर फैला के थोड़ा तेल को हिला के चूल्हा को धीमी करके ही रखेंगे। ढक्कन दे के 2 से 3 मिनट बाद ढक्कन उठा लेंगे। एक साइड हो जाने से पलट के और 1 साइड को फ्राई करेंगे। ये रवा के चपाती मैंने ग्राउंड नट ऑयल से किया, क्योंकि रिफाइंड तेल से ज़्यादा हेल्दी होता है ग्राउंड नट ऑयल, इसलिए ग्राउंड नट ऑयल से बनाई। आप चाहे तो किसी तेल से भी इसे बना सकते हैं। देखा कितना आसानी से बन गया एक नाश्ता रेसिपी। घर में रहे हुए सामग्री से ही बन गया और कोई भी सॉस के साथ इसे सर्व कीजिए। मेरे बच्चे लोगों को नया नाश्ता देने के लिए ये रेसिपी मैंने बनाई थी। आप भी इसे ऐसा करके बना के खा के और बच्चे को खिला के आपका गुड फीलिंग्स मेरे को ज़रूर बताइए। मैं
मैं आप लोगों पे शुक्रगुजार हूँ क्योंकि आपने मेरे रेसिपीज को पसंद किए हो और लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब किए हो। धन्यवाद।